तो हे गाइस बेटू आर्मी हियर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि गाइस बढ़िया होंगे एंड गाइस बढ़िया ही रहना। तो गाइस फाइनली लिटरली यार आज मैं बहुत ज्यादा ही खुश हूँ क्योंकि गाइस आज मुझे वैसा चीज मिला है जिसका मुझे बेसब्री से वर्षों से इंतजार था। गाइस जो मिला है ना मुझे उसकी कम्युनिटी में कल डालने वाला हूँ एंड गाइस उसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो बहुत जल्द इस चैनल पे आने वाली है। बट गाइस उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो एंड गेस करो कि आखिर में मुझे मिला क्या होगा। गाइस फाइनली आज 19 तारीख हो चुका है एंड 10 डेज में बीआर का सीएस रैंक सीजन 36 बहुत जल्द आने वाला है। गाइस अगर आप लोगों को सीजन चेंज होने के पहले दिन ही ग्रैंड मास्टर टच करना है तो फिर आज से ही एक्टिव हो जाओ। गाइस आने वाले 10 दिन में मैं 5 ऐसे वीडियोज लाने वाला हूँ जिसमें 2 जो वीडियो होगा वो ग्लिच से रिलेटेड होगा एंड जो 3 जो होगा वो विदाउट एंटी बैन ग्लिच यानी कि एकदम से ओपी वाला बेस्ट एवर स्ट्रेटजीज वीडियो। 5 वीडियो को देखने के बाद नेक्स्ट सीजन में 6-7 घंटे के अंदर आपको ग्रैंड मास्टर टच करने से कोई भी नहीं रोकेगा। गाइस आज के वीडियो में मैं आपको एक कुछ वैसे स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जिसमें बस एक मीसा कैरेक्टर को लेने के बाद आप पूरे गेम को इजिली टॉप 5 कर सकते हो 2 या 3-4 किल के साथ। गाइस इसके अलावा आप कोई भी कैरेक्टर कॉम्बिनेशन लो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तो चलो गाइस बिना लेट किए इसी ग्रैंड मास्टर वाली आईडी से मैं गेम स्टार्ट करता हूँ एंड देन फिर आपको स्ट्रेटजी बताते हैं कि खेलना कैसे। तो गाइस फाइनली मैंने गेम को स्टार्ट कर दिया है एंड गाइज जैसे ही गेम स्टार्ट होता है हम लोग लॉबी में आ जाते हैं एंड गाइज लॉबी में आने के बाद देख लो आप लोग तो कितनी खतरनाक लॉबी आई है। बट गाइज लॉबी हार्ड है या नूब इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि फाइट तभी होगी जब आप चाहोगे। तो गाइज फाइनली हम लोग प्लेन में आ जाते हैं एंड इसके बाद आता है सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपको लैंडिंग कहाँ पे करना। तो गाइज इसके लिए सबसे पहले आपको छोटे वाले मैप को ओपन करके देखना है कि आपका ब्लू जोन कहाँ पे है एंड गाइज ब्लू जोन स्टार्टिंग में हो या एंड में बस कोशिश ये करना है कि किसी भी तरीके से मैं सबसे पहले ब्लू जोन में पहुंच सकूं, फाइट नहीं लूट कर। वैसे गाइज जब तक मैं लैंड करता हूँ ना आप लोगों को कुछ छोटा पॉइंट सजेस्ट करता हूँ। इसमें गाइज काम तो सिर्फ मीसा कैरेक्टर का है एंड फाइट अपन सिर्फ शॉर्ट रेंज में करने वाले हैं। तो मीसा कैरेक्टर के अलावा जो भी कैरेक्टर कॉम्बिनेशन शॉर्ट रेंज में लिया जाता है ना आपको उस कैरेक्टर की एक्टिव स्किल्स को ले लेने हैं। तो गाइज फाइनली उसके बाद मैं यहाँ पे लैंड करता हूँ एंड लैंड करने के बाद घर के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पे कुछ गन्स वगैरह मुझे मिल जाते हैं एंड गाइज इन गन्स को लेने के बाद जो मेरा मेन टारगेट होता है वो होता है ब्लू जोन। तो सबसे पहले तो गाइज मैं यहाँ पे आता हूँ एंड गाइज जब तक मैं ब्लू जोन पे जाता हूँ ना आप लोगों से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। आप लोग अगर अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो एंड वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर से लाइक कर देना एंड चैनल पे नए आए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो गाइस सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर डायरेक्टली सीधा को लॉन्च पैड को यूज करता हूँ एंड मैं जोन के बाहर एंट्री मारता हूँ क्योंकि गाइस जब तक जोन होगा तब तक तो बंदे आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। गाइस जब भी हम लूट करते हैं ना तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि आखिर आपको कौन से गन कॉम्बिनेशन को यूज करना है। तो गाइस मैं आपको साफ साफ बता दूं मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि फाइट शॉर्ट रेंज में होने वाली है इसलिए गाइज अगर आपके पास जो गन कॉम्बिनेशन होगा ना वो होगा डबल वेक्टर। अब अगर आपके पास स्किन नहीं है तो मैं समझ सकता हूँ थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होगा बट स्टिल गाइज आपको डबल वेक्टर ही लेना है क्योंकि ये बहुत काम करने वाला है। गाइज फाइनली उसके बाद आपकी जैसे ही लूट कंप्लीट हो जाती है उसके बाद अब आपको करना क्या है एक व्हीकल ढूंढना है एंड व्हीकल में भी बाइक ढूंढना है या फिर लैम्बोर्गिनी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि गाइज मीसा कैरेक्टर का काम ही वही है। इसीलिए गाइज मैं क्या करता हूँ यहाँ से उड़ने के बाद जोन के अंदर आता हूँ एंड गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट जब तक आपको मीसा कैरेक्टर मिले नहीं तब तक आपको गाइज फाइट करनी नहीं है क्योंकि फाइट करने जाओगे तब तो आप मारे जाओ क्योंकि गाइज बंदा तो आपको लॉन्ग रेंज में ही डैमेज दे देगा ना एंड उसके बाद आप उसके पास शॉर्ट रेंज में पहुंच नहीं पाओगे। इतने ज्यादा ग्लू वॉल्स तो आपके पास होंगे नहीं, अगर 3-4 ग्लू वॉल होंगे तो उसमें तो बहुत मुश्किल होने वाला है। बाइक ढूंढने के लिए मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लेट्स सपोज अगर आपको लॉन्ग रेंज में कोई बंदा दिख गया एंड अगर एकाध गोली मार भी देता है मीसा कैरेक्टर पर डजंट मैटर यार की है ना आपकी एक्टिव स्किल की मतलब हेल्थ को बढ़ाने के लिए। बाइक का सबसे इंपॉर्टेंट काम ये हुआ कि उसके नजदीक पहुंचेगा एंड थोड़ा सा डैमेज उसको बाइक से मिल जाएगा उसका नीचे उतरेंगे और डबल वेक्टर से उसको फिनिश कर देंगे। बट गाइज फाइनली देख लो आप लोग तो मेरा पोजीशन टॉप 15 हो चुका होता है एंड इतने में क्या होता है कि एक बंदा किसी और पे डैमेज दे रहा होता है। बट फाइनली गाइज मैं क्या करता हूँ मैं इसके पास पहुंचता हूँ इजिली सबसे पहले तो डबल वेक्टर से मैं इसको फिनिश कर देता हूँ एंड देन फिर गाइज उसके बाद मैं इसको लूट करने लगता हूँ एंड हाँ यार मैं लिटरली बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि गाइज मुझे बहुत तगड़ा रिवार्ड मिला है एंड लिटरली मैं सच बता रहा हूँ यार मुझे वैसे ग्लिच भी ढूंढने हैं जो कि गाइज एंटी बैन हो न्यू सीजन के लिए 35 के लिए क्योंकि गाइज सीजन 34 में तो वो चल रहा है एंड गाइज लिटरली वो ग्लिच एंटी बैन भी है बट इसकी गारंटी नहीं होती क्योंकि गरीना जो होती है ना वो सीजन चेंज करने का टाइम ओबी का कुछ पैच अपडेट डालती है। अगर उस पैच अपडेट में गरीना ने उस आपकी आईडी को डिटेक्ट कर लिया तो वहां आपकी आईडी बैन हो सकती है इसीलिए गाइज मैं उस ग्लिच को पब्लिश नहीं कर रहा हूं। जैसे ही 1 तारीख को सीजन आएगा सीजन चेंज होने के 2 घंटे बाद ही वो ग्लिच अपलोड हो जाएगी। सच बताओ तो मैं आपको सिखा रहा हूं कि व्हीकल ढूंढना बट
मुझे अभी तक व्हीकल मिला नहीं है, बट गाइज फाइनली क्या होता है ना, कितने में मेरे को एक बंदा दिखता है, पीछे मेरे को गाड़ी भी दिख जाती है। तो सबसे पहले तो मैं इस बंदा के नजदीक जाने का कोशिश करता हूँ, बट भाई बंदा वोकोंग बन जाता है, मतलब समझ रहे हो यार, साला घास बन जाता है, मतलब कुछ भी यार। एक तो ऐसे ही मेरा किल नहीं हुआ, मैं इस बंदे को मारने के चक्कर में गाइज फाइनली इसको पूरा डैमेज देता हूँ, फाइनली ये बंदा फिनिश हो जाता है। लिटरली यार डबल वेक्टर जो है ना एकदम ओपी चलने वाला, अगर आप ओपी करेक्टर के साथ इसको लेते हो। एंड फाइनली गाइज इसके बाद मिल जाता है आपके भाई को आपका व्हीकल, और जैसे ही गाड़ी मिल गया गाइज, मतलब समझ रहे हो कोई बंदा कितना भी डैमेज दे आपको, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके बाद अब आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कुछ करना नहीं है, जितना हो सके उतना ज्यादा गाड़ी घुमाना है, अपने पोजीशन को टॉप 5 लाने का वेट करना, क्योंकि गाइस फाइनली मेरा पोजीशन टॉप 10 हो चुका है, बट यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। बट गाइस जब फाइनली देख लो तो मैं वीडियो को क्रॉप नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने वीडियो को स्किप कर दिया, क्योंकि गाइस देख लो मैं अभी तक गाड़ी घुमा रहा हूँ, गोयोन कितना छोटा हो रहा है, मैंने गाइस गाड़ी छोड़ा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है मुझे मेरा पोजीशन टॉप 5 चाहिए। फाइनली देख लो गाइस जोन कितना ज्यादा छोटा हो चुका है, एंड मेरा पोजीशन भी टॉप 5 हो चुका है लिटरली यार। तो अब मेरी सारी टेंशन खत्म हो चुकी है, अब यहाँ से भी गाइस अगर आपको भी खेलना है तो आपके खुद के स्किल के ऊपर खेलना है कि आप कैसा खेलते हो। बट गाइस इतने में क्या होता है ना कि एक बंदा मुझे बहुत गंदा डैमेज देता है, एंड लिटरली यार मुझे पता नहीं चलता कि गाड़ी पे उसको होता है ना कभी कभी गाइस ऑटो एम भी बहुत खतरनाक लग जाता है, मतलब बंदा बिना एम के भी गोली मारता है। तो गाइस फाइनली देखो तो यार लिटरली जोन कितना ज्यादा छोटा हो चुका, बट एक मीसा कैरेक्टर, केवल एक कैरेक्टर आपको इतने देर तक बिना किसी डर के अलाइव रख रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात। इसीलिए गाइस मैं आपको बोलता हूँ कि जब भी आप मेरी वीडियोस देखते हो ना, तो आपको कोई भी वीडियो टाइम पास नहीं लगेगा, हाँ ऐसा लग सकता है कि ये दोबारा डाल रहा है, बट एक्चुअल में गाइस उसमें हर एक वीडियो में एक दूसरा कंटेंट छिपा होता है। अगर आपको बिना किसी ग्लिच यूज किए, क्योंकि गाइस कुछ बंदों को डर होता है कि मेरा आईडी बैन हो जाएगा, स्टिल ग्लिच एंटी बैन होता है फिर भी, तो अगर बिना ग्लिच के लिए यूज करना है ना, तो फिर ये जो वीडियो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करते जाओ, जो भी स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ, एंड उसके बाद गाइस मैं खेलता कैसा उसको भी देखो, यहाँ से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। बट गाइस जितने में क्या होता है कि मैं जैसे अपने आपको डालता हूँ, यहाँ पे एक बंदा मेरे साथ आ जाता है पीछे से मारने मुझे, लिटरली यार मेरे साथ ये थर्ड पार्टी कर लेता है, मतलब बहुत गंदा, मतलब मैं इसको डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, भाई पता नहीं ये कौन से गन मारता है, ये सोनिया कैरेक्टर यार मुझे बहुत बुरा लगता है। कोई ना यार मेरे साथ थर्ड पार्टी होता, बट स्टिल गाइज मुझे फुल प्लस मिलने वाला है, तो गाइज आप लोग भी देख लो कि मुझे कितना प्लस मिलता है। तब तक के लिए गाइज अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो गाइज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए गाइज आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।